हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग के हिंदी का एक पेपर प्रैक्टिस के लिए लेकर आ गया हूँ, क्योंकि लैंग्वेज में आप लोग का बहुत सारा नंबर छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए रहे। तो ये पेपर आप लोग 100% प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसमें से बहुत सारा चांसेस है कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे 80 नंबर का आप लोग का पेपर रहता है, 3 घंटे का आप लोग का पेपर रहेगा। अब इसमें क्या रहेगा कि आप लोग का गद्य विभाग जो रहता है 20 नंबर का रहता है। इसमें बहुत इजी रहता है, आप लोग का हिंदी का पेपर बहुत इजी हो गया, बट आप लोग को थोड़ा सा उसको कॉन्सेप्ट जो दिया रहता है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना रहता है। इसको पढ़ना है पैसेज को अच्छी तरीके से, और ये चीज 8 नंबर के लिए रहता है। यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, इसी को अच्छी तरीके से देख के अच्छी तरीके से भरना रहेगा। और एक क्वेश्चन इसमें आप लोग को दिया रहता है अपने मन से लिखने के लिए, ये भी आप लोग को 2 नंबर के लिए रहता है। देख रहे हो यहाँ पे दिया गया है। इस तरीके से आप लोग को पहला वाला 8 नंबर आप लोग का क्लियर हो जाता है। अब मैं आप लोग को सेकेंड दिखाता हूँ। अब इसके बाद आप लोग को उसी में पहले में आ रहा था, उसमें भी आप लोग को 8 नंबर का एक पैसेज दिया गया। अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है, इजी कर दिया गया है। बस आप लोग को पैसेज अच्छी तरीके से पढ़ना आना चाहिए। और उसके बाद आप लोग देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, एक्टिविटी भरना है बस जितना पूछेगा, और 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखना है। और उसके नीचे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग को अपने मन से लिखना रहता है अच्छी तरीके से बना के, उसको कभी नहीं छोड़ के आने का। अब ई वाला आता है इसमें ही पहले में 4 नंबर के लिए रहता है, ये भी चीज आप लोग को पैसेज का ही रहता है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा रहता है। अब देख रहे हो यहाँ पे वही पैसेज है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा जल की मांग बढ़ने के कारण कौन कौन से हैं, उसको अगर पैसेज पढ़े हो 100% ईजिली आप लोग लिख सकते हो। जल प्रदूषण को रोकथाम के लिए अपने आप क्या करते हैं लिखिए, एकदम ईजी है। अब पद विभाग आ जाता है, देख रहे हो इसमें भी आप कविता रहता है, कविता में क्या रहता है एक पैसेज दिया रहेगा, उसी को आप लोग को ढूंढ के आंसर लिखना रहे, जोड़ियां मिलान। और लिंग बदलने के लिए वचन पहचानिए, और उसके बाद 25 से 30 शब्द अंतिम के 4 पंक्ति का लिखना रहेगा सिंपल वर्ड में। अब इसमें भी 6 नंबर के लिए देख रहे हो यहाँ पे दिया गया है, ये भी आप लोग को कविता पढ़ना है, और आंसर जो पूछा रहेगा उसका क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब देख रहे हो यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन, वो जो कविता था उसी को ढूंढ के अच्छी तरीके से उसी में से सब आंसर लिखना। पर्यायवाची संसार प्रभु, देख रहे हो एकदम इजी इजी है। आप लोग अगर कर लोगे 100% प्रैक्टिस में पन्ना, तो 100% आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट बनने वाला है। विभाग जो तीसरा है आप लोग का, इसमें तीसरे में पूरक पठन आता है, आप लोग को इसमें 4 नंबर के लिए एक रहता है और दूसरा 4 नंबर के लिए, 8 नंबर का ये भी रहता है। से क्वेश्चन पूछा गया रिश्ते का, गद्यांश में आए रिश्ते कौन कौन से आए, उसको आप लोग को यहाँ पे लिखना रहेगा। उसके बाद यहाँ स्वार्थ रिश्तों के बीच दीवार बनता है, ये चीज आप लोग को 2 नंबर के लिए रहेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे ये भी एक 4 नंबर के लिए रहेगा, इसमें से ढूंढ के आप लोग को इसमें लिखना है। देख रहे हो कितना ईजी पेपर है, बस आप लोग को प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो प्रैक्टिस करो ये पेपर को। अब देख रहे हो यहाँ पे ग्रामर आ जाता है, व्याकरण 14 नंबर के लिए पहला रहता है, भाषा अध्ययन व्याकरण। इसमें छोटा छोटा देख रहे हो क्वेश्चन रहता है, छोटा छोटा एकदम सब HDTech चैनल पे पूरा बना हुआ, संधि विच्छेद ये सब छोटा छोटा सब ग्रामर है, आप लोग को दिखा रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस कर लेना 100% इसमें से आने वाला पेपर में। देख रहे हो इस तरीके से आप लोग को यहाँ तक हो जाता, और मैं आप लोग को बताता हूँ। अब देख रहे हो यहाँ पे है अपूर्ण भूतकाल में चेंज करना, ये सब छोटा छोटा है, पूरा HDTech चैनल पे बना हुआ पूरा अच्छे तरीके से ग्रामर का। अब आता है उपयोजित लेखन, जो आप लोग 26 नंबर के लिए रहता है, बड़ा बड़ा पहला पत्र लेखन रहता है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो आप लोग सिंपल से वही लिखना जो मांगने पत्र मांगते हुए, सिंपल सा मांगने वाला आप लोग पत्र लिखना, 100% आप लोग को नंबर मिलेगा। उसके गद्य आकलन आता है, 4 क्वेश्चन तैयार करना रहेगा, इजिली 4 क्वेश्चन तैयार कर दोगे तो इजिली आप लोग को नंबर मिल जाएगा। एक वृत्तांत लेखन और एक कहानी लेखन, तो आप लोग इसमें से क्या करोगे, आप लोग वृत्तांत लेखन अटैम्प्ट करना। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा उसको आप लोग को बताता हूँ। अब आता है विज्ञापन लेखन, विज्ञापन लेखन आप लोग को करना रहेगा 5 नंबर के लिए। उसका निबंध एक आएगा आप लोग को, इसमें जो निबंध आप लोग को अच्छे तरीके से आता है, जिससे टॉपिक पर अच्छे तरीके से आप लोग को नॉलेज है, उस पर लिखना, 2 से 2.5 पेज लिख दोगे आप लोग को 5 से 6 नंबर मिल जाएगा। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो 100% चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ।